So sweet. अरे अरे ये तो मेरा स्विम सूट है ना, ये पकड़। तुझे पता है एक बार ना मैं स्विमिंग करने से बहुत डर रही थी और डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। He was very upset कि मैं इतना डर क्यों रही हूँ। तो पता है मॉम ने क्या कहा? एक ये है, ये भी नया शेड आया है अभी, और ये देखिए। भाभी जी काफी नए शेड्स आए हैं, दिखाऊं? नहीं नहीं, आजकल तो सजने संवरने का ना तो वक्त है और ना ही ख्वाहिश। अच्छा सुनो, पिछली बार मैंने तुम्हें मेड के लिए कहा था ना, मिली क्या कोई मेड? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेड के बिना। हाँ मैंने कहा है एक से, उसने मुझसे कहा है अगले हफ्ते वहाँ से काम छोड़कर मुझे बता देगी, यही अपना सेक्टर नंबर 4 पर। अच्छा भाभी जी आपने मुझसे क्लेंजर और टोनर लाने के लिए कहा था, मैं लेकर आई हूँ, ले लीजिए, उस पर डिस्काउंट भी चालू है, रुकिए मैं दिखाती हूँ। रहने दो भावना, तुमने ना बहुत देर कर दी, मेरा सामान खत्म हो गया था तो मैंने ले लिया। दीदी आपको आपको डर नहीं लग रहा? थोड़ा। सब कुछ अचानक खो देने का डर लग रहा है। But it's okay. Fear is natural. मॉम यही तो कहती है, कहती थी। Fear is natural, but courage is to overcome it. सुहाना, सुहाना तुम टहल क्यों रही हो? सुहाना तुम्हें आराम करना चाहिए। ईशान कहाँ रह गया? अरे ईशान ने बताया नहीं तुम्हें? इंदर भैया, इलेश, दीपक और ईशान डिनर के लिए बाहर गए हैं। तीनों भाई बहाने से ईशान को बाहर ले गए हैं। क्यों? वो थोड़ा अपसेट था ना तुम्हारी तबीयत को लेकर, इसलिए। अच्छा, मतलब बीमार मैं हूँ, सबको मेरी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन इंदर भैया और रिलेश भैया ईशान को बाहर ले गए हैं एंटरटेन करने के लिए। दिस इज नॉट फेयर। अरे तो क्या हुआ? यहाँ हम है ना तुम्हें एंटरटेन करने के लिए, बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। चल, लेकिन पहले तुम कुछ खा लो फिर लेट जाना। हाँ बहुत मस्ती करेंगे। बट दिशा दीदी, इंदर भैया और रिलेश भैया हम तीनों को भी तो लेकर जा सकते थे ना बाहर। और ये दीपक वो भी गया है ना साथ में, ऐसे तो बड़ा शरीफ बनता रहता है, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ तो कोई बात नहीं, हम तीनों यहाँ है ना। दिशा दीदी कम रहा। गॉसिप, आप लोगों को पता है मंजू आंटी दीपक को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। मतलब